बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 71वां जन्मदिन पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी मना। पूरे उत्साह के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके जन्मदिन को भव्य बनाने की तैयारी की थी। इस दिन को विकास दिवस के रूप में मनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सहित जदयू के कई दिग्गज नेता भी मौके पर मौजूद थे। सभी ने एक साथ केक काटकर नीतीश कुमार के जन्मदिन का जश्न मनाते हुए उनके लंबे उम्र के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य और बिहार के विकास की कामना की। Happy birthday, Nitish Kumar. Happy birthday to you. कौन दिन मनाया गया, क्या कहेंगे उस पर? आज नीतीश कुमार जी का हम लोगों ने 71वां उनका जन्मदिन मना रहे हैं और पूरे यही नहीं पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर मना रहे हैं। उनकी लंबी उम्र और उनकी बड़ी कामयाबी के लिए हम लोग दुआ गो हैं। वो तरक्की करें, आगे बढ़े और आने वाले दिनों में बिहार का नाम पूरे देश में रोशन करें। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज एक तरफ शंकर जी की शादी हो रही है, वो भी खुशी है। मैं तो यही चाहूंगा कि महाशिवरात्रि आज उनके अंदर नीतीश जी के अंदर जो शंकर भाव भगवान की जो खूबियां हैं उनके अंदर आ जाएं और हिंदुस्तान से और पूरे दुनिया से जो बुराई है उसका खात्मा करें, जो बुरे लोग हैं हटे और देश और दुनिया के अमन भाईचारा प्यार कायम हो, मुल्क के अंदर तरक्की हो, मुल्क आगे बढ़े। किस तरह मना गया जन्मदिन? हर जगह मना रहे हैं, सब जगह। यहाँ पे केक काटा गया उनके नाम पर और देख लीजिए कितना बड़ा लड्डू काटा गया है, 71 किलो का लड्डू है। सभी लोग खुश हैं। जनता को क्या संदेश देंगे? बस जनता को यही संदेश है कि बिहार को इस तरह के लीडर मिलते रहे, बिहार तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे और जिस तरह से उन्होंने बिहार की तरक्की आज तक की, आने वाले दिनों के लिए दुआ करते हैं कि पूरे देश की तरक्की के लिए वो काम करें। सर, ये उम्मीद करें कि आने वाले 24 में इससे भी बड़ा लड्डू रहेगा। मैं क्या कहा, जुमला सुन लीजिए कि उन्होंने बिहार की तरक्की बहुत दिनों करा दी, अब उनको मुल्क की तरक्की के लिए हम लोग यहाँ से दुआ कर रहे हैं कि मुल्क को सर्व करें, वो मुल्क को आगे बढ़ाए। अनिल जी क्या कहेंगे आप?